पंद्रहवीं सदी के तीसरे दशक तक फ्रांस के दो टुकड़े हो गए थे। उत्तरी फ्रांस पे अंग्रेजों का अधिकार था तो दक्षिणी फ्रांस में खुद फ्रांसीसी राज करते थे। इसी बीच एक फ्रांसीसी लड़की जोन डी आर्क ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और उत्तरी फ्रांस के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर चार्ल्स सेवन को फ्रांस का सम्राट बनाया। परंतु जोन डी आर्क अंग्रेजों के हाथों मारी गई, जिसके कारण बादशाह के साथ साथ फ्रांसीसी जनता भी अंग्रेजों के प्रति क्रोधित हो गई तथा चार्ल्स सेवन ने अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू कर दिया और इस तरह से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध अपने अंतिम चरण पे आ गया, जिसे इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। सन 1434 तक उत्तरी फ्रांस में जहां पहले अंग्रेजों का शासन था, वहां का अधिकांश हिस्सों पर चार्ल्स सेवन का अधिकार हो गया। वहां के निवासी भी, जो पहले अंग्रेजों के समर्थक थे, ट्रीटी ऑफ अरास के तहत चार्ल्स सेवन के समर्थक हो गए तथा सम्राट ने अंग्रेजों को फ्रांस से बाहर निकालने के लिए सैनिक अभियान शुरू कर दिया। सन 1435 तक उत्तरी फ्रांस के कुछ हिस्सों पर अभी भी अंग्रेजों का कब्जा था। उनमें से सबसे प्रमुख गरबराय था तथा सम्राट ने अपने सेना को गरबराय आज़ाद कराने की हुक्म दे दी, जिसका नेतृत्व जीन डे जेंट्राइल तथा ला हायर कर रहे थे। मई 1435 को अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों में गरबराय में एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसे बैटल ऑफ गरबराय के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई तथा इंग्लिश सेनापति जॉन फिट्ज़जेरॉल्ड बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके कारण जून 1435 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों से एक के बाद दूसरे क्षेत्र आजाद कराते गए तथा इंग्लिश लोग भी फ्रांस छोड़कर भागने लगे। ये सब देखते हुए इंग्लैंड सम्राट हेनरी सिक्स ने फ्रांसीसी राज्य अंजू की राजकुमारी मार्गरेट से सन 1444 को विवाह कर लिया, जो फ्रांसीसी सम्राट चार्ल्स सेवन की भतीजी थी। अब इंग्लिश लोगों को लगने लगा कि फ्रांस में उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी, परंतु फ्रांसीसी सेना तो ये ठान चुकी थी कि वो अंग्रेजों को अपने देश यानी फ्रांस से बाहर करके ही दम लेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना के राजदूत कहे जाने वाली जॉन डी आर्क को जीवित ही जलवा दिया था। इस वक्त तक यानी 1449-50 के आसपास में नॉर्मंडी अंग्रेजों के अधिकार में था तथा नॉर्मंडी की एक गाँव फारगिनी में अप्रैल 1450 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे बैटल ऑफ फारगिनी के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भी फ्रांसीसी जीत गए तथा अंग्रेज बुरी तरह से हारे। सही मायने में देखा जाए तो ये अंग्रेजों के लिए एक बुरा दौर था, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से अंग्रेज फ्रांसीसियों से हारते ही आ रहे थे। इससे पहले की अधिकतर युद्धों में अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। सन 1450 तक अंग्रेज पूरी तरह से फ्रांस को खाली कर चुके थे, सिवाय केस्टल और कैले के। यही दो राज्य था जो अभी भी अंग्रेजों के अधिकार में था, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ट्रीटी ऑफ ट्राय के तहत जब तक चाहे अंग्रेज यहाँ रह सकते थे, परंतु फ्रांसीसियों ने कोई भी संधि मानने से इनकार कर दिया तथा चार्ल्स सेवन ने केस्टल आज़ाद कराने के लिए सेना भेज दी। जब ये बात इंग्लैंड सम्राट हेनरी सिक्स को पता चली तो उसने भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किया और अपने सबसे प्रमुख तीन वॉर जनरलों को भेज दिया। पहले थे जॉन टेबलेट अर्ल ऑफ सुरेबरी, जिसकी बहादुरी देखते हुए रोमन योद्धा इक्लिस के नाम से लोग पुकारने लगे थे। दूसरे थे जॉन टेबलेट विस्काउंट लिजली, तीसरे जॉन डी फॉक्स। ये दोनों भी कई बार कई युद्धों में स्कॉटिश तथा आयरिश सेना को पराजित किए थे। उधर फ्रांसीसी सेना भी पूरी तरह से तैयार थी, जिसका नेतृत्व जीन बेरू पीटर सेकेंड तथा जैक्स डी चैबनर्स कर रहे थे। वैसे तो केस्टल में इन दोनों सेनाओं के बीच पहले से ही छिटपुट युद्ध तो चल ही रहा था, जिसमें कभी अंग्रेज तो कभी फ्रांसीसी जीतते। बट फाइनली जुलाई 1453 को केस्टल में ये दोनों सेनाएं पूरी ताकत के साथ भिड़ गई और एक भयानक युद्ध शुरू हो गया, जिसे बैटल ऑफ केस्टल के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में इंग्लिश सेना अपनी पूरी जीत जान लगाकर लड़ी, किंतु अंत में फ्रांसीसियों की ही जीत हुई और दो इंग्लिश जनरलों अर्ल सुरेबरी तथा विस्काउंट लिजली मारे गए और इस तरह से वर्षों से चल रहे यूरोप में 100 वर्षीय युद्ध का अंत हो गया। अंग्रेजों को ये युद्ध हारने के लिए कई कारण थे, उनमें से दो सबसे प्रमुख है। पहला अंग्रेजों को आपसी मतभेद, दूसरा नॉर्मंडी वालों से झगड़ा। इस युद्ध से फ्रांसीसी तो आजाद हो गए, परंतु इंग्लैंड को कुछ नहीं मिला सिवाय कैले नामक प्रांत के। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर।